ये फॉर्मेट आपको मिल जाएगा सॉफ्ट कॉपी इसकी। अभी इसमें मतलब टाइम है फ्लैक्स बैनर में, तो लास्ट ईयर, अच्छा ये फ्लैक्स बैनर के बारे में भी समझ लें, लास्ट ईयर हमने सिर्फ और सिर्फ खाली का खाली बैनर टंगा दिए थे, इसमें कोई एंट्री नहीं थी, बस बैनर बन के टंगा, ऐसा नहीं है। जो हमारा सर्वेक्षण सभी दल करेगा और जो डेटा एकत्रित करेगा उसकी सारी एक्टिविटी इसमें आना चाहिए, ये फॉर्मेट दिया गया है, इसलिए फॉर्मेट दिया गया है। और बाकी डिटेल तो आपके पास होंगी, जैसे एनजीपी कोड है, डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन कितनी है गांव की, ये वो, ये ग्राम पंचायत स्तर से मिल जाएगी। और इसके अलावा भी इसमें एक और जो फॉर्मेट है, फॉर्मेट के अलावा भी क्रिटिकल गैप एज पर मिशन अंत्योदय, मतलब मिशन अंत्योदय के सर्वेक्षण के दौरान हमें जो क्रिटिकल चीजें दल को मिली हुई है, मतलब जैसे गांव में कुछ बहुत बड़ी समस्या है उसको भी इस बोर्ड में अंकित करना। हर गांव में ऐसा नहीं सब जगह मिल सकती है समस्या, जिस गांव में क्रिटिकल समस्या मिलेगी उसको हाईलाइट, उसको अलग अलग से करना कि उस गांव की क्रिटिकल समस्या क्या है। तो ये बोर्ड में इस बार सारी एक्टिविटी प्रदर्शित करना, इसी के बाद बोर्ड लगाना है या तो फिर दीवार में पेंट कराना है। और ये जो बोर्ड बन जाएगा ना, तो इसका फोटो जियो टैगिंग भी होगा, जो लास्ट ईयर पोर्टल के माध्यम से कर दिए थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं करना है, फोटो जो बोर्ड का है वो जियो टैग होना चाहिए। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना। इसके अलावा जो ग्राम सभाएं भी होंगी उसकी भी फोटो जियो टैग होगी, और वो कैसे होगी मैं बताऊंगा इसके बाद। फिर इसके बाद है, हाँ वो ये, ग्राम सभा बैठकों में जियो टैग फोटोग्राफ अपलोड एवं प्रगति, जीपीडीपी तैयार करना, प्लान प्लस एप्लीकेशन पर अनुमोदन योजना का प्रकाशन करना, ये प्रक्रिया है मतलब ग्राम पंचायत विकास योजना की। जिस दिन अपना ग्राम पंचायत विकास योजना फाइनल अनुमोदन हो जाएगी, उसको प्लान प्लस पोर्टल पर फीडिंग कर देंगे और वो रिफ्लेक्ट होने लगेगी, तब अंतिम रूप से हमारा प्लान ग्राम पंचायत विकास योजना का काम पूरा होगा। तो मैं अब आपको बताता हूँ एप्लीकेशन कौन कौन से यूज होंगे उसमें और कैसे काम होगा। तो ये सबसे पहला तो ये www.gpdp.dig.in, ये भारत सरकार का ग्राम पंचायत विकास योजना का पोर्टल है, इसी के अंदर सारे काम होंगे। और ये जो एप्लीकेशन जितने भी दिख रहे हैं इनके माध्यम से जो डाटा फीड होगा वो इसी में शो होगा। और जब जीपीडीपी होगी तब ये प्लान प्लस पोर्टल, जब आप जीपीडीपी पोर्टल खोलते हैं तो वहाँ नीला कलर का एक छोटा सा आइकॉन विंडो दिखता है, वो वहाँ से भी सीधे खोल सकते हैं, या सीधे आप ब्राउजर में प्लान प्लस पोर्टल सर्च करेंगे तो आपको प्लान प्लस पोर्टल मिल जाएगा, जिसमें हमें अंतिम रूप से ग्राम पंचायत विकास योजना की फीडिंग करनी है। तो सबसे पहला ये पांच ऐप, ये पोर्टल है भारत सरकार का, इसी में हमें पूरी जानकारी दिखानी है। ये प्लान प्लस पोर्टल है, इसके माध्यम से ग्राम पंचायत विकास योजना की मीटिंग होगी। और ये एप्लीकेशन से 1 2 3 4 5, सबसे पहला जीपीडीपी है, दूसरा है संवाद है, तीसरा है जीपीडीपी फैसिलिटेटर रिपोर्ट है, और चौथा है मिशन अंत्योदय है, और पांचवा जल शक्ति है। तो इसमें सबसे पहला काम हमें यहाँ से ट्रेनिंग लेने के बाद फैसिलिटेटर की आईडी प्रोवाइड होगी, फैसिलिटेटर के लिए रूप में जो पंजीकृत है, पांचों लोग में से कोई भी काम कर सकता है ग्राम पंचायत लेवल पे, तो कोई भी एक आईडी से, किसी भी एक लोग की आईडी से इस डेटा को जो फॉर्मेट दिए 110 बिंदु का, वो जानकारी सबसे पहले हमें ये मिशन अंत्योदय ऐप के माध्यम से प्रविष्ट करानी है। सर्वे के उपरांत
और शुद्ध और सही डेटा। तो ये जो मिशन अंत्योदय ऐप है इसको सभी लोग जिनके पास भी एंड्रॉयड मोबाइल है, वैसे तो सभी के पास आज एंड्रॉयड मोबाइल है या एंड्रॉयड ऐप है, इसको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। सभी लोग कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से मिशन अंत्योदय ऐप। सबसे पहला काम इसी ऐप का है और जो आपको फॉर्मेट दिए हैं वो उसका प्रिंट आउट है। ये पूरा का पूरा फॉर्मेट आपको मिशन अंत्योदय ऐप के अंदर खुल जाएगा जब आप इसको लॉगिन करेंगे। और उसी में जो फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट कॉलम में आप उसके जो जो पूछा गया है, जैसे उसमें विधानसभा का नेम है, लोकसभा का नेम है, ग्राम पंचायत की जनसंख्या कितनी है, वैसे वो ग्राम बार होगा, वो ग्राम बार जनसंख्या उसमें फीड होगी। तो ये सारे आंकड़े इसमें फीड करना है एप्लीकेशन के माध्यम से और सही आंकड़े फीड करना है, तो वो ग्राम सभा बार उसका करना है। तो सबसे पहला मिशन अंत्योदय ऐप, तो इसको आप डाउनलोड कर लीजिए और सबसे पहला काम यहाँ से जाने के बाद यही करना है। और इसका काम चालू हो गया, इसके लिए कोई कैलेंडर नहीं आएगा 2 अक्टूबर के बाद। इसको कभी भी आप सर्वेक्षण जितनी जल्दी कर लेंगे उतनी जल्दी आप इसको फीड कर दीजिए। मतलब आज 1 तारीख है, कल 2 तारीख है, 2 तारीख से अपना ग्राम पंचायत विकास योजना का कार्यक्रम चालू हो रहा है। यदि आपकी ट्रेनिंग आपका दूसरा दिन है, आज आखिरी दिन है ट्रेनिंग का, कल से ग्राम पंचायत विकास योजना का काम चालू हो रहा है और इसके अतिरिक्त हमारी कल ग्राम सभा भी है, तो उसकी ग्राम सभा अलग होगी, कल की 2 अक्टूबर की अधिसूचित ग्राम सभा है हमारी, उसमें भी आप ये चीजें बता सकते हैं और कल से इसका काम स्टार्ट कर सकते हैं। आप जितने जल्दी सर्वे करेंगे सब लोग मिलके जो फॉर्मेट दिया है उस पर और सही आंकड़े प्राप्त हो जाए तो उसको आप कभी भी भर सकते हैं मिशन अंत्योदय ऐप में। तो सबसे पहला काम इसका। इसके बाद है जीपीडीपी ऐप। इसका वैसे हमें बेसिक काम के लिए यूज नहीं होता, जो पब्लिक डोमेन में जो हमारी चीजें कोई देखना चाहता है, जैसे आजकल सारी चीजें ऑनलाइन है ग्राम पंचायत में, चाहे मनरेगा की हो, चाहे हमारा पंचायत दर्पण पोर्टल हो, या फिर जैसे शौचालय का भुगतान हो, या कोई भी चीजें हो, आज की डेट में कुछ भी ऑफलाइन नहीं, कोई भी कहीं से भी हमारी जानकारी देख सकता है, उसी लिए ये ऐप बनाया गया है। एक जीपीडीपी और एक संवाद और ये 3 ऐप का काम, हमने क्या काम किए हैं या ग्राम पंचायत स्तर पे कैसा सर्वे हुआ है, फैसिलिटेटर के माध्यम से कैसा डाटा फीड कराया गया है, इन ऐप के द्वारा पब्लिक डोमेन में कोई भी व्यक्ति देख सकता है, उसके लिए ये ऐप है। तो हमारा जो काम है जिसमें लॉगिन आईडी और हमें पासवर्ड मिलेगा, उसमें मिशन अंत्योदय पहला, और दूसरा है ये बहुत महत्वपूर्ण ऐप है जीपीडीपी फैसिलिटेटर रिपोर्ट ऐप। ये भी एंड्रॉइड ऐप है और इसको भी गूगल प्ले स्टोर के माध्यम से आपको डाउनलोड करना है, इसके आईडी पासवर्ड भी अलग होंगे। और जीपीडीपी फैसिलिटेटर रिपोर्ट एप्लीकेशन के माध्यम से ही हम ग्राम सभा, जिस दिन हमारे गांव की ग्राम सभा होगी उस दिन इस एप्लीकेशन के माध्यम से हमें फोटो जियोटैग करना, इस बात का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि जियोटैग जहां चीजें घट रही हैं, जहां चीजें हो रही हैं, जहां चीज हुई है वहीं से होता है। जैसे ग्राम सभा हमारी गाँव में होगी तो जियो टैगिंग भी वहीं से होगा। लास्ट ईयर क्या हुआ था कि पोर्टल के माध्यम से हमने फोटो अपलोड कराई थी, चाहे साइन बोर्ड की हो या ग्राम सभा की हो या और दूसरी फोटो हो, तो इस बार ऐसा नहीं करना, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। जब भी हमारी ग्राम सभाएं अगली ग्राम पंचायत विकास योजनाओं की होंगी उसका फोटो जियो टैगिंग अनिवार्य रूप से करना है, उसके लिए ये वाला जीपीडीपी फैसिलिटेटर रिपोर्ट ऐप से होगी। इसमें सबसे पहला जो बोर्ड है अपना, जो जन सूचना बोर्ड बना हुआ है उसका फोटो लेना है, दूसरा ग्राम में जितनी भी ग्राम सभाएं होंगी उसका फोटो इसके माध्यम से लेना। इसी इसी ऐप के माध्यम से
जब हम इसको खोलेंगे तो इसमें फ्रंट लाइन वर्कर जो जनपद की जनपद पंचायत स्तर से नियुक्त किए जाएंगे आपके ग्राम पंचायत में, उसकी सूची भी ओपन होगी और उसमें ये भी प्रदर्शित होगा कि कौन फ्रंट लाइन वर्कर आपकी ग्राम सभा में उपस्थित हुआ और कौन नहीं हुआ। तो जो जो उपस्थित हुए उसमें क्लिक करके हमें इस डेटा को सेव करना है। तो पहला मिशन अंत्योदय ऐप और दूसरा जीपीडीपी फैसिलिटेटर रिपोर्ट, ये दोनों एप्लीकेशन के माध्यम से हमें ये काम करना है। ये जीपीडीपी का भाग है, ये सिर्फ फोटो लेने के लिए और कौन उपस्थित हुआ फ्रंट लाइन वर्कर उसके लिए है और जन सूचना बोर्ड की फोटो लेने के लिए। ये जो 10 एक तो